बेटा हम आपको अवकलन गणित पढ़ा रहे हैं, इसमें डिफरेंशियल के फॉर्मूले आपको लिखा दिए मैंने, ठीक है ना, पीछे भी लिखा दिए, लेकिन अब कुछ एक दो तीन फॉर्मूले और बचे हुए हैं, दो तीन फॉर्मूले, तो उनको भी लिखा देते हैं, ठीक है। ये मैथ वाले बच्चों के लिए तो ज़्यादातर काम करेंगे करेंगे, लेकिन फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से मतलब सॉलिड हो जाएगी फिजिक्स, ठीक है। दो फलनों के योग, ये अगला पॉइंट है, दो फलनों के योग व अंतर पर अवकल गुणांक का नियम, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई दे रखा है आपको डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा फंक्शन एक्स, एक फलन ये दे रखा है, इसको फंक्शन एक्स बोलते हैं, और प्लस, तो प्लस का मतलब योग हो गया और अंतर का मतलब माइनस, तो दोनों के लिए कॉमन एक फॉर्मूला लिख लेते हैं प्लस और माइनस के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक और दूसरा फलन ले लीजिए, तो जी एक्स ये फलन ले लिया हमने, तो डी अपॉन डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, किसका हो रहा है, फंक्शन एक्स का, प्लस माइनस जी और एक्स का, ये भी एक फलन है, ठीक है। तो दो फलन है यहाँ पर, एक फलन ये और एक फलन ये है, और एक्स के सापेक्ष इन दोनों फलनों का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो अगर ऐसी संख्या आएगी तो उसको हम लिखेंगे यहाँ से डी अपॉन डी एक्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा फंक्शन एक्स और प्लस माइनस, ये इसके साथ चला जाएगा, फिर ये इसके साथ चला जाएगा बस। तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स और जी और एक्स ये बन जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो इसको पढ़ेंगे डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस माइनस फलन जी एक्स, एक दूसरा मान लिया फलन कोई भी, ठीक है, ये संख्या आएगी इस जगह, हमने एक को एफ में ले लिया और एक को हमने जी में ले लिया, यहाँ दोनों के साथ एक्स लगा हुआ है और बीच में प्लस भी है और माइनस भी है, क्योंकि यहाँ पर योग और अंतर दोनों बातें आ रही है, तो योग तो ये ऊपर है और अंतर का मतलब है माइनस। तो अगर इसको हम ऐसे तरीके की कोई संख्या दी हो तो इसको हम ऐसे आंसर के रूप में लिखेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स और फलन जी एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं, देखिए एग्जांपल, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे बेटा एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया, वो एग्जांपल मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो न्यूमेरिकल है एक, ठीक है ना, फलन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। दोबारा पढ़ देते हैं, फलन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, यहाँ से ये सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, इसको फलन कहा है तो फलन यहाँ एफ लिख दिया मैंने, और इसका मान कितना है, इसका मान ये, इसको मान लिया फंक्शन एक्स को मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। इसको हमें यहाँ पर अवकल गुणांक याद करना है, किसके सापेक्ष निकालना है, एक्स के सापेक्ष। तो देखो इसका एक्स के सापेक्ष क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, और इसका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन एक्स, ठीक है, बराबर ये डी अपॉन डी एक्स तो यहाँ आएगा ही आएगा, देखिए, और ये फंक्शन एक्स है, ये वाला मान है, इसका मान क्या है, ये है पूरा, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, ये आ गया, ठीक है। इस संख्या को मैंने फंक्शन एक्स मान लिया है, ये जो संख्या दे रखी है ना यहाँ पर ये वाली, इसको फलन क्या मान लिया, एक्स, इसका मान मान लिया कि ये जो संख्या है वो फंक्शन एक्स में है, तो इसको मैंने डी के सापेक्ष, वो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ रख दिया फंक्शन एक्स बराबर, ठीक है ना। अब डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ गया, और फंक्शन एक्स का मान कितना है, ये वाला मान है, तो ये वाला मान मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है हमें बस, ठीक है, तो ऊपर से मैं इरेज कर देता हूँ इसको, तो बेटा देखिए यहाँ से मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया और ये सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ये अपने पास ये सूत्र, ये केवल वैल्यू रहेगी, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, ये रह गया। अब देखो डी अपॉन डी एक्स इसके पास भी जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इसके पास भी जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इसके पास भी जाएगा, तो देखो क्या होगा, ये डी अपॉन डी एक्स इसके पास जाएगा एक्स स्क्वायर के पास, इधर ही लिखा जाएगा, डी अपॉन डी एक्स पहले लिखा जाता हमेशा, प्लस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया, थ्री एक्स, थ्री एक्स के साथ चला गया ये, ठीक है ना। अब प्लस डी अपॉन डी एक्स,
और यहाँ पर क्या हो गया 7, ये पहुंच गया डी अपॉन डी एक्स का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखिए यहाँ से एक पद और बढ़ा देते हैं डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3, ये एक अंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंकिक मान है संख्या 1, इस संख्या का अवकलन नहीं होगा तो हम इसको पहले ले लेंगे, तो इसको कॉमन मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये कॉमन आ गया 3। अब डी अपॉन डी एक्स अंदर क्या रह गया एक्स, ठीक है ये हो गया प्लस डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर कितना रह गया 7, ठीक है ये हो गया। अब देखो बेटा, अब कौन कौन से जो मैंने फॉर्मूले पीछे लिखाए थे आपको, देखो ये किसके बराबर आ रहा है डी अपॉन डी एक्स, और किसका मान आ रहा है फंक्शन एक्स का मान आ रहा है, ये पूरा मान आ रहा है। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा ये बताता हूँ, इस वाले पद में, केवल यहाँ से यहाँ तक इस पद की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो डी अपॉन डी एक्स मैंने लिखा था और एक्स की पावर एन लिखा था, तो ऐसी फॉर्म ये है या नहीं है देख लो, देखो यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स है, पावर 2 है, ठीक है यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, पावर कितनी है एन है, तो इसका जो सूत्र था वो ये सूत्र ये बना था एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ये बना था, इसका आंसर ये था। तो अब इस वाले पद का आंसर क्या होगा ये देखना है। अच्छा अब इस वाले पद को एक बार और देख लीजिए, मैंने कहा था आपसे कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होना जरूरी है तभी अवकलन होगा, तभी आंसर आएगा अवकलन। अगर यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स नहीं है और कोई भी संख्या है आंकिक मान है तो उसको नियतांक मानते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू मानते हैं, तो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 7 है तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, नियतांक हो गया, तो नियतांक हो गया तो इसको नियतांक का डिफरेंशियल क्या होता है अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी फॉर्म ऐसी बन रही है डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर सी, देखो यहाँ पर एक्स है और यहाँ सी है, डिफरेंट है कि नहीं, तो इसका मान क्या था 0, तो देखो ये सूत्र इसमें लग जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से ये एक्स इसके पास चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इस पहले तो इसमें सूत्र लगाइए आप, तो एक्स की पावर एन को हमने क्या लिख दिया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे देखो यहाँ से 2 आगे उतर के आ जाएगा, 2 आगे उतर के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से x की पावर 2 माइनस 1 यही तो बचेगा, यहाँ से 2 देखो यहाँ से n उतर के आगे आ गया, फिर इसमें से एक पावर कम हो गई तो x की पावर n माइनस 1 हो गया, तो ऐसे ही यहाँ से 2 आगे आ जाएगा और इसमें से एक घात कम हो जाएगी, प्लस आगे देखो ये 3 तो 3 यो रहेगा ही रहेगा, ये इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है सी की जगह पर क्या रखा हुआ 7, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, दोनों डिफरेंट हैं कि नहीं देखो, तो क्या मान आ रहा है 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा पूरे का बेटा 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे देखो 2 तो यहाँ हो गया, इसकी पावर 1 बचेगी तो 2x की पावर 1 प्लस इससे ये कट गया तो क्या रह गया 3, तो यहाँ पर ये पूरा हम किसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3, और ये किसका हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और फंक्शन x, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ये इस तरीके से इसमें आंसर आया। तो कौन से फॉर्मूले यूज हुए देखो, यहाँ से 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं d अपॉन डी एक्स x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n माइनस 1, और ये सबसे ज़्यादा यूज होगा ध्यान रखें आप फिजिक्स के अंदर, और एक कॉन्स्टेंट वाला ये भी यूज हो जाता है ज़्यादातर, तो d अपॉन डी एक्स और ये कॉन्स्टेंट है सी, इसकी जगह पर आंकिक मान आया, देखो यहाँ पर x है और यहाँ x होता तो इसका मान 0 नहीं होता, यहाँ पर अलग संख्या है और यहाँ पर अलग संख्या, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसका मान क्या हो गया 0 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये एग्जांपल से मैंने एक समझा दिया आपको। अब देखिए वहाँ पर तो योग और अंतर का था, ठीक है ना, योग और अंतर का, अब यहाँ पर देखो क्या है, मैंने अलग चेंज कर दिया है इसमें, पहले योग मतलब जोड़, अंतर माने घटाना, और गुणनफल फिर भागफल, ये 4 आएंगे पॉइंट, तो मैंने जोड़ का और घटाने का तो एक ही फॉर्मूला लिख दिया प्लस माइनस लगा करके, अब यहाँ पर गुणन का लिख रहे हैं, फिर इसमें भागफल का लिखेंगे आगे। तो देखो दो फलनों के गुणनफल, ये गुणनफल वर्ड आ रहा है देखो यहाँ से, पर अवकल गुणांक का नियम, तो यहाँ से देखिए क्या है, इस तरीके का होगा डी अपॉन डी एक्स, और दो फलन इसमें होंगे और गुणा में होंगे दोनों फलन, तो फंक्शन एक्स
इनटू क्या होगा जी एक्स। दो फलन ले लिए हमने, एक फलन ये हो गया पहला एफ एक्स और दूसरा फलन क्या हो गया जी एक्स, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह लग रहा है, डॉट का। डॉट का मतलब है गुणा का चिन्ह। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले ये कॉमन आएगा हमेशा, इसको कॉमन लेंगे तो फंक्शन x तो ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, तो पहले पद को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, दूसरे पद का अवकलन कर दिया d अपॉन डी एक्स और ये हो गया जी एक्स, ठीक है। पहला पद कॉमन आ गया, इधर जो d अपॉन डी एक्स से पहले जो संख्या होती है वो कॉमन होती है और बाद में होती है हमेशा वो अवकलन होता है उसका, ठीक है ना, प्लस यहाँ से। अब दूसरी संख्या को, पहले हमने पहली संख्या को कॉमन लिया, ये पहली संख्या थी देखिए और ये दूसरी संख्या थी, ठीक है ना। अब हम दूसरी संख्या को कॉमन लेंगे और पहली संख्या का अवकलन करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी और एक्स, ठीक है ना, और थोड़ा सा यहाँ और लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स और फंक्शन एक्स, ये यही आएगा इसमें, ठीक है ना, इसके पीछे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका एक सूत्र होगा ये पूरा। अब इस सूत्र पर बेस्ड में न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा जो सेकंड पद हो गया, ये वाला कॉमन ले लिया और फर्स्ट पद का हमने अवकलन कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट पद हमने कॉमन ले लिया, सेकंड पद का क्या कर दिया फलन का, दूसरे फलन का क्या कर दिया अवकलन, प्लस दूसरे फलन को कॉमन ले लिया और पहले फलन का क्या कर दिया एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया और किसके लिए बन गया, गुणनफल पर अवकल गुणांक का नियम लागू होता है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से एग्जांपल, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो बेटा ये फॉर्मूला है पूरा हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब इसको देखो यूज कैसे करेंगे इस फॉर्मूले का, तो एक हमने एग्जाम्पल ले लिया इसी पर बेस्ड, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने और फलन एक्स की पावर चार और इंटू कॉस एक्स, तो दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानेंगे, यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह हो गया ये, ठीक है, लगाना चाहे लगा दे नहीं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो एक संख्या ये हो गई फर्स्ट संख्या, पहली संख्या पहला फलन कौन सा हो गया एक्स की घात चार और दूसरा फलन कौन सा हो गया कॉस एक्स का, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये है। अब हम देखें यहाँ से, तो इसको हम इस रूप में ले रहे हैं देखिए, तो डी अपॉन डी एक्स सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, तो d अपॉन dx और ये क्या हो गया x की घात चार इंटू कॉस एक्स, देखो ये लिख दिया एफ एक्स का मान क्या लिख दिया मैंने x की घात चार इंटू जी एक्स का मान क्या लिख दिया मैंने कॉस एक्स। तो यहाँ पर ये पहला पद है और यहाँ पर ये दूसरा पद है। अब इधर आ जाइए आप राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड है बिल्कुल जहाँ जहाँ जो वैल्यू रखी है, ये देखिए मान किसका है, फंक्शन x का मान कितना है x की घात चार, जी एक्स का मान कितना है cos x, जहाँ एफ एक्स रखा हुआ है वहाँ तो रखेंगे हम x की घात चार और जहाँ जी एक्स रखा हुआ है वहाँ क्या रखेंगे cos x, इसमें रख दो पूरे में बराबर। तो देखो एफ एक्स पहले रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की घात चार, ठीक है, क्योंकि ये किसका मान है, ये एफ एक्स का मान है और ये किसका मान है जी एक्स का, ठीक है। तो एफ एक्स का मान क्या है, ये वाला मान है देखो लगा दो d अपॉन डी एक्स। अब क्या किसका मान रखना जी एक्स का, जी एक्स का मान कितना अपने पास cos x, cos x, ठीक है। अब किसका चिन्ह है बेटा यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब किसका मान आएगा जी एक्स का, तो जी एक्स का मान कितना अपने पास cos x, यहाँ पर cos x, ठीक है। अब क्या है d अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर क्या है d अपॉन डी एक्स। अब एफ एक्स का मान अपने पास क्या है x की घात चार, तो यहाँ पर क्या लगा दें x की घात चार। ये यहाँ से सॉल्यूशन हो गया, अभी हम इसको आगे सॉल्व और करेंगे बस। तो यहाँ से मैं बेटा इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, फॉर्मूले आप ये याद रखेंगे आप, ठीक है, ये बार बार कॉपी पर लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है, और उसका यूज भी आ जाएगा। अब देखो ये है, तो यहाँ से d अपॉन डी एक्स और ये x की घात चार इंटू कॉस एक्स, इसका ही तो हम कर रहे हैं दोनों का। अब इसका मान देखो क्या होगा, x की घात चार ये कॉमन है तो कॉमन वाले को तो पहले यूं का यूं लिख देते। अब आप cos x, ये हमने सूत्र बताया था आपको पिछले वीडियो में बताया था d अपॉन डी एक्स cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस
साइन एक्स, ये हो गया देखिए, ठीक है, इसका हो गया डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दिया हमने। अब किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बेटा, है ना। अब क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स कॉमन है इसलिए कॉमन का कॉमन ये होगा, यही रहेगा। अब क्या है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात चार, तो इसमें देखो इसमें सूत्र लग जाएगा वही वाला, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। एन की जगह पर यहाँ क्या रखा हुआ बेटा, यहाँ पर चार, तो एन पहले आ गया और एक पावर इसमें से कम हो गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये चार उतर के आगे आ जाएगा और एक्स की घात चार में से क्या लेंगे, माइनस एक कम कर देंगे, ठीक है। तो देखो एन की जगह पर क्या आ गया, चार, एक्स की जगह पर एक्स आ गया, एन की जगह पर चार आ गया, माइनस एक आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे आप सॉल्व और कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये माइनस एक्स की घात चार इंटू साइन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों गुणा में है ये दोनों संख्या, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, फोर, तो आई जाएगा और कितनी घात बच गई, तीन, फोर एक्स की घात तीन, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है, पूरा आंसर ही आया इसका। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पहले प्लस की संख्या लिख दो बाद माइनस की लिख दो, कोई कैसे भी लिख दो इसको, फोर एक्स की पावर तीन और ये कॉस एक्स, ठीक है ना, ये लिख दो, या तो यहाँ तक लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स की घात चार इंटू क्या हो गया, साइन एक्स, ये इसका आंसर होगा, या तो ये आंसर लिख दीजिए या फिर ये आंसर लिख दीजिए, ठीक है, दैट इज सॉल्व, ठीक है। ये हमने गुणन पर आधारित एक सवाल करा दिया आपको, ठीक है, एक एग्जांपल इसके साथ ले लिया हमने। देखो बेटा ये भाग के फलनों पर, अब भाग आ गया, ये क्या आ गया, देखो भाग, पहले हमने क्या निकाला, योग, फिर उसके बाद अंतर, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या आ गया, गुणनफल, फिर अब क्या क्या आ गया, भाग, ठीक है, चार होते हैं, तो भाग के फलनों पर अवकर गुणांक का नियम, तो देखिए डी अपॉन डी एक्स, अब भाग के रूप में ले लीजिए, तो यहाँ पर एफ एक्स को मैंने ऊपर लिख लिया और जो जी एक्स था अब मैं उसको भाग में ले रहा हूँ, तो जी एक्स मैंने यहाँ पर भाग में ले लिया, देखो एफ एक्स ऊपर लिख लिया, जी एक्स और गुणा में क्या था, दोनों मैंने गुणा में लिखे थे, ठीक है, पहले मैंने योग में लिखे थे दोनों को, फिर मैंने माइनस में लिखे, फिर मैंने गुणा में लिखे, अब इसमें क्या मैं किस में ले रहा हूँ, भाग में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बेटा, यहाँ से देखें, पहले ये वाली वैल्यू है उसको यहाँ लिख दो, यहाँ पर जी एक्स और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखो इसका ये सूत्र होता है एक तरीके से, और फिर यहाँ पर ये कॉमन ले लो जी एक्स, ठीक है। अब इसका अवकलन करो, सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स, ठीक है, इसका अब क्या कॉमन आएगा, एफ एक्स कॉमन आएगा, अब किसका अवकलन होगा, डी अपॉन डी एक्स और किसका होगा, जी एक्स का, ये सूत्र बनता है। इस वाली संख्या का जी एक्स जो है वो नीचे आएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग होता है इसका, ठीक है, ऊपर इस संख्या को यहाँ पर ले जाओ, कॉमन ले लो, ठीक है, और फिर इस वाले का फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, जिसके सापेक्ष हो रहा है, फिर माइनस चिन्ह आ जाएगा, फिर इसको कॉमन ले लो एक बार और इसका अवकलन कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक सूत्र इस तरीके से, ये पूरा ये सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एक्स अपॉन जी एक्स बराबर जी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, जी एक्स ऊपर कॉमन ले लिया, फिर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स कर दिया, माइनस एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स और इंटू जी एक्स, पहले इसको कॉमन ले लिया, एफ एक्स का अवकलन कर दिया, फिर माइनस, फिर एफ एक्स को कॉमन ले लिया, फिर जी एक्स का अवकलन कर दिया। अब इस पर बेस्ड मैं एक आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है ना, पीछे मैंने दो न्यूमेरिकल करा दिए आपको, अब मैं यहाँ से अगला न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर बेस्ड करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखो बेटा ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, फलन एक्स की घात पाँच बटे कॉस एक्स, तो भाग में है कि नहीं संख्या, देखिए का एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, फलन एक्स की घात पाँच बटे कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, माना कि क्या लिख दिया, माना कि फंक्शन ये देखिए इसमें चलिए वैसे ही कर देते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है,
और एफ एक्स, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स की घात पाँच, एक्स की घात पाँच बटे क्या कर दें जी एक्स का मान कॉस एक्स। ठीक है, तो ये देखो किसका मान है, ये मान किसका है, एफ एक्स का मान है, ये किसका मान है, जी एक्स का मान है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जी एक्स रखा है, जैसे जैसे रखा है वहाँ रख दीजिए, एफ एक्स रखा है एफ एक्स रख दीजिए इधर वाली साइड में, राइट हैंड साइड में, तो देखो क्या होगा, बराबर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, देखते जाएं आप, एक तो लाइन खींच ली मैंने पूरी यहाँ पर, देखो अब जी एक्स का मान अपने पास कितना है, जी एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो जी एक्स का मान कितना है कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स का क्या कर देते हैं बेटा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी एक्स, तो जी एक्स का मान क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ लिख दो। ठीक है, लिख दिया मैंने, अब क्या आ गया आ रहा है डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ये आ गया। ठीक है, अब एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है एक्स की घात पाँच, एक्स की घात पाँच ये लिख दिया मैंने देखो। ठीक है, अब किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस चिन्ह लिख दिया देखो ये। ठीक है, अब क्या आ रहा है एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है दस की घात, वो एक्स की घात पाँच, एक्स की घात पाँच, अब क्या आ रहा है डी अपॉन डी एक्स, आगे क्या आ रहा है देखो जी एक्स, जी एक्स का मान अपने पास क्या कॉस एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स। तो इसको मैंने बिल्कुल इस फॉर्मूले में जहाँ जी एक्स रखा है, जैसे जैसे रखा है उसको उसी रूप में रख दिया मैंने, जी एक्स का होल स्क्वायर है तो जी एक्स का मान क्या कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, जी एक्स यहाँ है तो यहाँ कॉस एक्स रख दिया, डी अपॉन डी एक्स यहाँ रख दिया, एफ एक्स का मान कितना है एक्स की घात पाँच रख दिया, माइनस का चिन्ह आ गया, एफ एक्स का मान एक्स की घात पाँच है, डी अपॉन डी एक्स और जी एक्स का मान क्या है कॉस एक्स, ये रख दिया मैंने इसमें। अब मैं थोड़ा ऊपर से इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ, इस फॉर्मूले में मान हमने पुट कर दिया, अब बेटा यहाँ से देखेंगे आप तो देखो क्या होगा, ये डी अपॉन डी एक्स और एक्स की घात पाँच अपॉन कितना है कॉस एक्स, इसी का तो हम अवकलन कर रहे हैं। अब इधर आ जाइए आप बराबर, तो नीचे देखिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो आप जानते ही एक्स की पावर एन का, यहाँ लिख देता हूँ मैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, पावर पाँच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू, ठीक है कितना आ जाएगा पाँच, एक्स की घात पाँच माइनस एक ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स की घात पाँच है ये, अब डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन एक्स ये बनता है। ठीक है, अब ये इसको पूरे को इरेज कर देते हैं और इसका थोड़ा सा दो लाइन का सॉल्यूशन हो गया बस। तो देखो ये कितना रह गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना रह गया कॉस एक्स, तो ये रह गया। ठीक है, ये कितना रह गया इंटू फाइव, एक्स की घात कितना रह गया चार। ठीक है, माइनस माइनस ये और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, एक्स की घात पाँच इंटू क्या रह गया साइन एक्स अपॉन बेटा नीचे क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये रहा आपका। ठीक है ना, डी अपॉन डी एक्स और एक्स की घात पाँच अपॉन कॉस एक्स, इसका जो सॉल्यूशन आया आंसर आया वो ये आया। ठीक है, इस पर बेस्ड मैंने भाग वाले पर बेस्ड न्यूमेरिकल करा दिया आपको, एक एग्जांपल ले लिया था। ठीक है ना, ये कॉस एक्स इंटू फाइव एक्स की घात चार प्लस एक्स की घात पाँच इंटू साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसका आंसर आया, डी अपॉन डी एक्स का अवकलन इसका करना है, एक्स की घात पाँच अपॉन कॉस एक्स, इसका जो अवकलन क्या आया ये आया इधर का। ठीक है, ये सॉल्व हुआ। ठीक है बेटा, ये अवकलन हो गया आपके। ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल भी आपको और भी करा देंगे आगे। ठीक है ना, और इसके बाद हम समाकलन के सूत्र और लिखाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत और सूत्र रह जाएंगे तो वो करा देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भौतिक जगत। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ तक जो है आपको इनको तैयार करना पड़ेगा, इन पर बेस्ड थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल और भी करवा देंगे, दो एक वीडियो और चलेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आपके। ठीक है ना, थैंक्स बेटा।